हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ संख्याओं पे आधारित प्रश्न। और कंडीशन क्या रहेगी क्वेश्चन में, यदि दी गई संख्या में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए जिससे यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें एक संख्या दी रहेगी दोस्तों, और वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं रहेगी, लेकिन हमें उस न्यूनतम संख्या को ढूंढना है जिससे जिसमें उस न्यूनतम संख्या से गुणा करें तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए क्वेश्चन को लेके करते हैं और ट्रिक से सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन। संख्या 72 दी है, 72 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए जिससे यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें दिया हुआ है एक संख्या है 72, और इसमें ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम सीधा इसमें 72 का लघुत्तम निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, 200 भाग दीजिए पहले, कितना आया, 2 3 6 और 2 12 हो गया, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 8 16 हुआ, फिर 2 से जाएगा 9 बार, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 3 बार और 3 1 बार। तो देखिए ध्यान से समझिए दोस्तों, हमें ये पेयर मिल गए हैं, ये देखिए हमने इनके गुणनखंड लिख लिए हैं। अब हमें इसमें ये चेक करना है कि किस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है। 2 का बन गया है, 3 का बन गया है, लेकिन 2 का पेयर तब बनेगा जब इसमें 2 और 7 में होता है। इसका मतलब है इसमें 2 की कमी और है, तब इसके ये पेयर कंप्लीट होगा। तो हमारा आंसर 2 ही होगा, यहाँ पे 2 की कमी है, तो वह न्यूनतम संख्या हमारी 2 ही होगी। जब हम इस 2 का गुणा 72 में करेंगे तो वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी, 2 हमारा आंसर है, यही हमारी ट्रिक है। चलिए चेक कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं। तो गुणा कर देते हैं 2 का, 2 2 4 हुआ और 2 7 14। जी हाँ, 144 किसका यह होता है, ये 12 का होता है, 144। जब हम 12 × 12 करते हैं तो 144 प्राप्त होता है। अब ये पूर्ण वर्ग बन गई है, इसका मतलब है वह न्यूनतम संख्या 2 है, जब 2 से हम गुणा करेंगे 72 में तो वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। एक बार और देख लें, हमने जो संख्या दी उसके लघुत्तम निकाला, उसके गुणनखंड निकाले, उस गुणनखंड जो पेयर बनता है जिसमें पेयर कंप्लीट होने के लिए जिस संख्या की कमी है उस संख्या को उस संख्या से गुणा करेंगे जो दी हुई है, वही हमारी न्यूनतम संख्या आंसर होगी। चलिए एक और देख लेते हैं, कोई संख्या दी है 288 में किस छोटी से छोटी संख्या को गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब जो पहले वाले क्वेश्चन में किया वही करेंगे। एक संख्या दी है 288, इसमें हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो हम 288 का एलसीएम निकाल लेंगे और गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 1 2 2 4 8, 2 4 8 हुआ, फिर 2 से जाएगा, 2 7 14 हुआ, 2 2 4 हुआ, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 6 12 हुआ, फिर 2 से जाएगा, 2 1 2 और 2 8 16 हुआ। अब हम फिर 2 से जाएगा, 2 9 18 हुआ, 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 1 3। हम यही पेयर देख लेते हैं, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 2 का पेयर बन गया है, यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया, यहाँ 2 अकेला बचा है, इसका मतलब यहाँ 2 की कमी है 2 का पेयर बनने के लिए। सीधा हमारा 2 ही आंसर होगा, यदि हम इस संख्या में न्यूनतम संख्या 2 से गुणा कर दें तो वह संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी और 2 ही हमारा आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या बन रही है। तो 2 का गुणा कर दीजिए इसमें, 2 8 16 हुआ, हासिला 1, 2 8 16 हुआ, 1 1 17, हासिला 1, 2 2 4 हुआ और 1 5 हुआ, हमारा प्राप्त हुआ 576। तो 576 बताइए दोस्तों किसका वो होता है वर्ग, ये होता है 24 का, मतलब ये सही हुआ कि 2 का गुणा करने पर 576 पूर्ण वर्ग संख्या मिली है। तो ये 2 हमारा न्यूनतम संख्या होगी, 2 हमारा आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे दोस्तों कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 240 में किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो। 240 में
कौन सी संख्या से गुणा करना है कि पूर्ण वर्ग हो। तो हम 240 का झट से एलसीएम गुणनखंड निकाल लेते हैं। दो एकम दो, दो दूनी चार हुआ, दो छिन बारह हुआ, फिर दो द्वितीया छह हुआ, फिर दो से पंद्रह बार, अब कटेगा तीन बार और पांच एकम पांच हुआ। पेयर बना लीजिए, दो के बन गए, दो के बन गए, पर तीन और पांच के पेयर नहीं बन रहे हैं, तो हम तीन इंटू पांच का आपस में गुणा कर देंगे तो मिलेगा पंद्रह। अब यही पंद्रह हमारा आंसर होगा। पंद्रह वह न्यूनतम संख्या होगी जो 240 में गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। चलिए गुणा कर देते हैं। 15 जीरो गया जीरो, 15 चौके होता है 60, हासिल आई 6, और 15 दूनी हुआ 30 और 6 36। 36 आप समझ गए, 60 का वर्ग करेंगे जब तो वो हमें 36 मिलेगा और यह पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई, 15 हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे यदि हम इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि वह संख्या बताइए न्यूनतम संख्या कि किस संख्या में गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमें इसी मेथड से करना है। यही हमारी ट्रिक है कि हमें उसका एलसीएम निकालना है, गुणनखंड निकालने हैं, और जिस गुणनखंड का पेयर नहीं बनेगा वही हमारी न्यूनतम संख्या होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आप बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के लाता रहूंगा।